हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम क्लास 12th का मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और आप लोग का बहुत दिन से इंतजार था वो टॉपिक का, आज स्टार्ट हो रहा है समाकलन इंटीग्रेशन। कैलकुलस में आज हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे और इंटीग्रेशन पढ़ाने से पहले आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों के लिए बता दूँ कि सबसे पहली बात, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले आप रिवाइज कर लीजिए। वैसे आपको पहले से पता है कि कैलकुलस बिना ट्रिग्नोमेट्री के नहीं चलता, तो आप ट्रिग्नोमेट्री के पूरे फार्मूले रिवाइज कर लीजिए। डिफरेंशिएशन पर आपका अच्छा कमांड होना चाहिए क्योंकि इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन का जरूरत पड़ता ही है। तो आज मेरा पहला क्लास है समाकलन का, आज मैं आप लोग का इसको बेसिक कॉन्सेप्ट, इसके फार्मूले और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर हमारा ये कंटिन्यूअस क्लास चलेगा और हम बहुत जल्दी आपके समाकलन को कंप्लीट करेंगे। एग्जाम को देखते हुए आप लोग का बहुत डिमांड था, सर समाकलन समाकलन, आज हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, ये फार्मूला का कलेक्शन है। ये फार्मूला का कलेक्शन एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ों को बता दूं पहले, देखिए फिर मैं फार्मूला पर जाऊंगा। इंटीग्रेशन हिंदी में कहते हैं इसको समाकलन। देखो डिफरेंशिएशन या अवकलन का मतलब होता है डिफरेंशिएट करना, मतलब तोड़ना, पार्ट पार्ट में बांटना। लेकिन समाकलन का इसका जो अर्थ है जस्ट अपोजिट है। समाकलन मतलब होता है चीज़ों को जोड़ना, ऐड करना। इंटीग्रेशन मतलब सम करना। एक्चुअल में हम इसका एलजेब्रस है, कंपेयर करें तो समाकलन मतलब जोड़ना होता है। इंटीग्रेशन का साइन ये होता है, देखो इंटीग्रेशन को मैं एलजेब्रा से कंपेयर करके बता रहा हूँ आपको। इंटीग्रेशन मतलब होता है सम करना। और यहाँ पर देखो ये जो एस है, ये जो एस है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से लिखा गया और उसको बनाया गया ये सिंबल, यही एक्चुअल में एस फॉर सम है मान के चलिए आप। तो इंटीग्रेशन का साइन है और जिस फंक्शन का हमको इंटीग्रेशन करना होता है उस फंक्शन को यहाँ पर लिखते हैं फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम आई से, आई फॉर इंटीग्रेशन। इस तरह से आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, दैट मीन्स यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स का क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है। जैसे इसका फर्स्ट फार्मूला है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स, ये इंटीग्रेशन का पहला फार्मूला है और ये बहुत ज़्यादा यूज होना है। इसका फार्मूला होता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, क्लियर। और आपने डिफरेंशिएशन का फार्मूला पढ़ा था, देखो यहाँ पर मैं दोनों का थोड़ा कंपेरिजन कर दूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इक्वल टू एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट प्रोसेस है, जस्ट अपोजिट है। देखो हम यहाँ पर कंपेयर करें, सपोज हम डिफरेंशिएट करते हैं एक्स टू द पावर 5 का, तो ये आता है 5 इंटू एक्स टू द पावर 4। अब यहाँ पर यदि हम क्या करें, इसका इंटीग्रेशन कर दें, तो इसका इंटीग्रेशन करने से ये नंबर आना चाहिए, तो इससे प्रूफ हो जाता है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट है। तो चलो हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 5 इंटू एक्स टू द पावर 4 इक्वल, 5 कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर, यहाँ पर डी एक्स लिख दूँ, डी एक्स दैट इक्वल 5 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 5 अपॉन 5। इस फार्मूला से हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा और यहाँ पर 5 के साथ कैंसिल आउट होकर जाएगा एक्स टू द पावर 5। इस तरह से वो नंबर आ गया जिसको डिफ्रेंशिएट करने से जो मिला था। इस बात से प्रूफ होता है कि किसी फंक्शन का यदि हम डिफरेंशिएट करें तो जो आता है उसका इंटीग्रेशन करें तो फंक्शन अगेन वापस आ जाता है। इसीलिए इंटीग्रेशन का जो फार्मूला है वो डिफरेंशिएशन का अपोजिट है। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कास एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ कास एक्स साइन एक्स होता है। ये आप कंपेरेटिवली आप उसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आज आपको फार्मूला का पहले कलेक्शन बता दूँ। इंटीग्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है फार्मूला। पहले दिन के क्लास में आप फार्मूला कंप्लीट लर्न कर लो, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस में आपको करा दूं और उसके बाद फिर फटाफट आपसे बनने लगेगा। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आपको नोटिस करना है, वो ये है देखो कि जैसे सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू
एक्स टू दी पावर 3 प्लस 5, ये कोई फंक्शन है। अब इस फंक्शन का क्या किया, मैंने डिफरेंशिएशन किया, तो ये मैं dy वाई बाई डी एक्स करूँगा तो आपको मालूम है आ जाएगा 3x स्क्वायर और 5 का 0 होता है तो गायब हो गया। अब यदि मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर dx, जैसे अभी मैंने बताया आपको, तो इसका इंटीग्रेशन करूँ तो 3 इंटू एक्स टू दी पावर 3 अपॉन 3 आएगा, दैट इक्वल ये 3 कैंसल आउट हो जाएगा तो हमको मिल जाएगा x टू दी पावर 3। यहाँ पर आप देखो ये आ गया x टू दी पावर 3, पेन ये सेलेक्ट होना है, थ्री आ गया, थ्री कैंसिल आउट हुआ तो एक्स टू दी पावर 3 आ गया। ये फंक्शन 3x स्क्वायर, हाँ एक्स क्यूब प्लस 5 3x स्क्वायर, फिर मैंने 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया तो 3 इंटू एक्स टू दी पावर 3 अपॉन 3, यहाँ पर आ गया एक्स क्यूब। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये जो 5 है, एक्स क्यूब तो आ गया, ये एक्स क्यूब आ गया और प्लस 5 ये जो आना था वो नहीं आ पाया। तो किसी फंक्शन का हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ पर जो कांस्टेंट गायब होता है जीरो होके, वो इंटीग्रेशन करने पर दोबारा जनरेट नहीं हो पाता, दोबारा नहीं आ पाता, इसलिए उस कांस्टेंट के लिए यहाँ पर प्लस सी लिखा जाता है। बहुत से स्टूडेंट इस बात के लिए बहुत कन्फ्यूज रहते हैं कि सर इंटीग्रेशन करने के बाद उसके आंसर में प्लस सी क्यों लिखते हैं, ठीक से समझ नहीं पाते, या बुक्स में राइटर लिखे रहते हैं तो उनको लगता है प्लस सी आखिर क्यों लिखा है। तो एक्चुअल में यहाँ प्लस सी का मतलब है कि यदि रियल फंक्शन में, यदि फंक्शन में कोई कांस्टेंट रहा होगा जो डिफ्रेंशिएट करने से हट गया, उसके लिए हम प्लस सी लिखते हैं। तो ध्यान रखना, कभी भी जब इंटीग्रेशन कंप्लीट किया जाता है तो प्लस सी उसके साथ में लिखा जाता है, यह है एक्स क्यूब प्लस सी। नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, कंपलसरी नहीं है, क्यों, क्योंकि क्या पता यहाँ कोई फंक्शन था कि नहीं, सपोज 5 वहाँ नहीं होता तो यहाँ पर सी का वैल्यू 0 हो जाएगा, इसलिए हम फॉर्मेलिटी के लिए प्लस सी लिखते हैं, ये ध्यान में रखना। वैसे नहीं लिखना गलत नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है, नहीं लिखना गलत नहीं है क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है, फिर भी लिखना चाहिए, वो एक सिस्टमेटिक वर्क है कि हम इंटीग्रेशन का आंसर ऐसे ही पहचान लेते हैं प्लस सी देख के। ये मैंने आपको बेसिक फंडामेंटल इसका बताया, इसके बाद मैं स्टार्टिंग से आपको इसके फार्मूले पर एक बार डिस्कस कर लूँ। देखिए ये मेरा फार्मूला है और ये आपको PDF में भी मिलेगा या ना भी रहे डिस्क्रिप्शन में, तो आप यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आपके पास कलेक्शन होगा। एक एक बार दो दो मिनट मैं सभी फार्मूला पर डिस्कस कर दूँ। देखिए सबसे पहले x टू दी पावर n dx इक्वल टू x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 c, वेयर x इज नॉट इक्वल टू माइनस 1। इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू होता है x प्लस c, ओनली इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है, प्लस c हम कांस्टेंट लिखते हैं। e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x होता है, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x होता है, a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन a टू दी पावर x अपॉन log a टू दी बेस e होता है, क्लियर। साइन x का डिफ्रेंशिएशन माइनस cos x होता है, ये सब आप ध्यान में रखना। मैंने एक जगह फार्मूला का कलेक्शन आपको दे दिया है और इस कलेक्शन को आपको याद करना है, इसको याद करना है, इसलिए मैंने एक ही जगह आपको दे दिया, ठीक है। वैसे आपको अवेलेबल होता है, फिर मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं। cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, ठीक है, cos x का sin x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है, cosec स्क्वायर x का होता है माइनस cot x, sec x इंटू tan x का होता है sec x, इसके बाद cosec x cot x का होता है माइनस cosec x, cot x का होता है log sin x, क्लियर, tan x का माइनस log cos x माइनस log x, और sec x का होता है log sec x प्लस tan x। तो ये पूरे फार्मूले आपको लर्न करने हैं, ये पूरा फार्मूला आपको याद करना है, ठीक है। ये मैंने पूरा कलेक्शन स्टार्टिंग में दे दिया, यदि आप फार्मूला याद कर लिए तो समझिए आपको स्टार्टिंग के कई एक्सरसाइज डायरेक्ट फार्मूला के बेस पर बन जाएगा, ओके। देखिए और ये आगे कलेक्शन, बहुत बेस्ट कलेक्शन है ये, एक जगह मैंने बहुत मेहनत करके इसको सबको कलेक्ट कर दिया है, तो आपको एक ही जगह अवेलेबल हो जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या PDF में आप इसको, ओनली फार्मूले एक्सरसाइज के क्वेश्चन PDF में मैं आपको अवेलेबल नहीं कराऊंगा, फार्मूला आपको कराऊंगा। तो cosec x का होता है log sec x माइनस cot x, क्लियर। इंटीग्रेशन आप यहाँ से, यहाँ पर देखिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर n
ठीक है, माइनस वन अपन इसका कॉस इनवर्स एक्स या टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन इतना होता है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। ये सब फार्मूले आपको इंटीग्रेशन से भी डिफरेंशिएशन से भी याद हैं, तो पूरे फार्मूला का आप कलेक्शन याद कर लोगे, लर्न कर लोगे। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। ये पूरा फार्मूला मैंने एक जगह लिख दिया है, लगभग इंटीग्रेशन में जितने फार्मूले यूज होंगे वो सब मैंने एक जगह लिख दिया है। ओके, तो सभी फार्मूला आपको लर्न करना है। अब हम चलते हैं इंटीग्रेशन का फार्मूला लर्न करने के बाद। हेलो स्टूडेंट्स, अनएकेडमी लेके आया है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ऑल 6 सब्जेक्ट के प्रिपरेशन के लिए, मराठी, हिंदी और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में पूरा आपका स्टेट बोर्ड का प्रिपरेशन, जिसमें आपको महाराष्ट्र के 50 प्लस टॉप एजुकेटर्स से आपके पढ़ने को मिलेगा। और इस कोर्स में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको फ्री क्लासेस अवेलेबल होंगे। फ्री क्लासेस आपको लेने हैं तो आप अनएकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा, वहाँ आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, जितेंद्र सर लाइव। ये कोड यूज़ करके आप उसको अनलॉक कर सकते हैं, अनलॉक करके आप हमारे सभी फ्री क्लासेस यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा अनलिमिटेड फ्री लाइव क्लासेस, बेस्ट स्ट्रेटजी एंड टॉपिक टू क्रैक एग्ज़ाम, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, फ्री डेली क्विज, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, लीडर बोर्ड। ये पूरी फैसिलिटी आपको फ्री में मिलेगी। और यदि आपको हमारा फ्री क्लास पसंद आता है तो आप ले सकते हैं, आपको इस फ्री क्लास में ये पूरी फैसिलिटी मिलेगी और आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जो सिर्फ 250 रुपीज़ पर मंथ पर सब्जेक्ट आपको पेड करने होंगे। और आप यदि हमारा कोड यूज़ करते हैं जितेंद्र सर लाइव तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो ये आप लोगों के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप यदि 10th और 9th क्लास के महाराष्ट्र बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये जरूर लीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट। करने के बाद इसके एक्सरसाइज एक्सरसाइज पर हम इसके क्वेश्चन करते हैं। तो आपका प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट होगा सुन लो ध्यान से। पहले पेज में मैंने आपको पूरे फार्मूला का कलेक्शन दे दिया, आप उसको सबसे पहले लर्न करिए, फार्मूला आप रट लीजिए। उसके बाद जो प्रोसेस आज के क्लास में मैं बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन के डिफरेंशिएशन समझा रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट क्लास जब मैं लेके आऊँगा तो हम इंटीग्रेशन के डिफ़िकल्ट टेबल पर एंट्री करेंगे। और इससे पहले आपका फार्मूला अच्छे से लर्न हो जाना चाहिए। मैं बार बार आपको एक ही बात याद दिला रहा हूँ, फार्मूला फार्मूला ही सब कुछ है, फार्मूला से ही आपको इंटीग्रेशन बनना है। ये जनरली फार्मूला पर बेस्ड मैथमेटिक्स है। चलिए अब अपन कुछ ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं जिससे हम आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से बता सकें। जैसे सपोज कोई जीरो का इंटीग्रेशन कितना होगा, जीरो का इंटीग्रेशन होता है एनी कांस्टेंट। ये मैं कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिसको आपको बता दूं, जिसका बहुत ज़्यादा यूज होगा। इंटीग्रेशन ऑफ जीरो dx ये क्या होगा, तो डिफरेंशिएशन आपको मालूम है, डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ एनी कांस्टेंट जीरो होता है। तो चूंकि इंटीग्रेशन उसका जस्ट अपोजिट वर्क है तो जीरो का जो इंटीग्रेशन है वो एनी कांस्टेंट होगा, ये ध्यान रखना। ये कन्फ्यूज़न वाला मैटर है इसलिए आपको बता रहा हूँ, कई बार स्टूडेंट जीरो है तो जीरो समझ लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा, सी होगा। क्यों, क्योंकि सी का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। इसके बाद अपन एक आध क्वेश्चन लेते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हैं। x³ - 1/x² x³ - 1/x² dx i=। तो ध्यान रखना इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन कोई का जैसे कोई डिवीजन का फार्मूला नहीं होता, इसलिए यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को हमको सीधा अलग अलग डिवाइड करके बनाना है। इसको आप क्या कर लो, दोनों का अलग अलग डिवीजन कर लो, x³ में x² को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x और -1/x² dx ऐसा लिख लोगे पहले। इसके बाद दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा तो दैट इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ
x का पावर 2 ऊपर जाके हो जाएगा x टू दी पावर माइनस 2 dx, ये अलग अलग हो जाएगा। इसका पावर 1 है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू दी पावर 2 अपॉन 2 x टू दी पावर n प्लस 1 के फार्मूला से, और माइनस यहाँ पर हो जाएगा x टू दी पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 दैट इक्वल x स्क्वायर अपॉन 2, और ये माइनस 1 आएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ x टू दी पावर माइनस 1 जिसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन x और प्लस c, ये इसका। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, लेकिन ये हम सिर्फ आपको समझा रहे हैं किस प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन x प्लस c, ओके। एनसीईआरटी के कुछ सिंपल क्वेश्चन पहले आपको मैं करा दूँ तो क्लियर। ये देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ कुछ अच्छे क्वेश्चन पर चलते हैं सीधा अपन, x टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, x टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। देखो इस क्वेश्चन को देखते ही आपको लगता होगा कि अब इस क्वेश्चन में क्या करें, इतना बड़ा फंक्शन है। एक तरीका तो यह हो सकता है कि x टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 में इसको आप डिवाइड करो अलग से डिवीजन वाले मेथड से, और डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसको इंटीग्रेशन करो, यह भी एक तरीका हो सकता है, लेकिन ये बहुत लेंदी हो सकता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का, वैसे जनरली मैं एनसीईआरटी के बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन को ही कराता हूँ मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस में, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन भले ही कम है लेकिन वो कलेक्शन बहुत बेस्ट है। तो ये एडजस्टमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें जब तक हम ऊपर नीचे एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तब तक ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो x टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये क्या हो सकता है देखो, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 क्या हो सकता है। ऊपर का जो वैल्यू है उसको हम, यदि 2x स्क्वायर होता, ये यदि 2x स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते थे। तो 2x स्क्वायर कब होगा, जब इसमें एक्स स्क्वायर माइनस कर देंगे, इसको हम एडजस्ट कर लें, ये हो जाएगा x टू दी पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस एक्स स्क्वायर, ये सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर कर दिया तो इसको मैं माइनस कर दिया, माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। ये क्योंकि एक्स स्क्वायर लाना है तो 2x स्क्वायर में माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, और डिनोमिनेटर में आप कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डीएक्स, ये होगा दैट इक्वल। अब इसको हम लिखें तो यहाँ पर इतने को, ये जो वैल्यू है अपने पास, ये क्या लिखा जा सकता है देखो, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का, सॉरी प्लस एक्स क्यूब प्लस 1, है ना, 1 आएगा ना भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यदि हम इसको एक्सपांड करें तो ए स्क्वायर एक्स टू पावर 4 आएगा और 2ab तो 2x स्क्वायर आएगा और 1 का स्क्वायर 1 आएगा, ये लिख सकते हैं। और ये है माइनस एक्स स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये होगा। आगे इसको सॉल्व करो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब हम इसके न्यूमरेटर को अंश को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ब्रेक कर लेते हैं तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी एक में ए माइनस बी आएगा दैट इक्वल, इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, ए माइनस बी ए प्लस बी और अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप ध्यान से देखो, ये वाला जो फैक्टर है इसके इक्वल है, एक्स भले ही उसके ऑर्डर अलग अलग हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये दोनों क्या होंगे कंप्लीट कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमको मिल जाएगा दैट इक्वल न्यूमरेटर बस में मिलेगा ये डी एक्स, सिर्फ ये बचा एक्स स्क्वायर, उसको पहले लिख लेता हूँ प्लस एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन। अब हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दें तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे तो इसका हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3
प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू और प्लस वन का हो जाएगा x और प्लस c जो मैंने बताया इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो एक अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि जब तक आपको ये फर्स्ट स्टेप में इस तरह से ब्रेक करना है करके आप ध्यान नहीं देंगे तब तक ये क्वेश्चन बनेगा लेकिन डिफिकल्ट हो जाएगा, इसमें इसको डिवाइड करने से बहुत लेंदी वर्क हो जाएगा। तो ये एडजस्टमेंट पर बेस्ट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। आज के क्लास में मैं कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपको सिंपल करा रहा हूँ, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में सीधा सब्स्टिट्यूशन पढ़ जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, sec स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। ये हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं, आई इक्वल sec स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। देखो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दिया कि डिवीजन का फार्मूला नहीं होता, बाद में हम इसको सब्स्टिट्यूशन से पढ़ेंगे, इसमें ओनली मल्टीप्लीकेशन का फार्मूला होता है, वो भी हमको आगे पढ़ना है। तो यहाँ पर देखो डिवीजन तो कुछ कर नहीं सकते और सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट कोई फार्मूला होता नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको साइन कास में चेंज कर देंगे, तो हो जाएगा वन अपॉन कास स्क्वायर एक्स अपॉन वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये हमने लिख दिया डी एक्स दैट इक्वल, ये साइन स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा कास नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर, ये ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ट है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला कि कैलकुलस में इंटीग्रेशन में आपको अच्छा कमांड करना है तो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला में ज़बरदस्त कमांड होना चाहिए, वो आप रिवाइज कर ही लो, या मेरे 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो देखो। टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं अपन, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है, तो टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं अपन वन माइनस सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर, ये हो जाएगा डी एक्स। अब हम इसको अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, दैट इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स मतलब वन का इंटीग्रेशन और माइनस sec स्क्वायर x dx दैट इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ dx x हो जाएगा और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10x प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। देखो तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला पर बेस्ड था, आंसर हो जाएगा x माइनस 10x प्लस c। क्लियर, टेन एक्स माइनस एक्स, क्या कुछ मिस्टेक किया क्या, टेन स्क्वायर x का फार्मूला क्या होता है, ये गलत लिख दिया, एक्चुअल में होता है sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स माइनस वन होगा, हड़बड़ी में मैंने इसको लिख दिया, चलो ठीक है सुधार देता हूँ इसको मैं, इधर ट्रांसफर होगा तो हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस वन, क्योंकि आंसर इसमें दिया हुआ है दैट इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स दैट इक्वल, ये हो जाएगा टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी, दिस इज फाइनल आंसर। ओके, ये है क्वेश्चन एक्स sec स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स। ओके चलो देखो इसको फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और कुछ अच्छे क्वेश्चन मैं आपको करा दूँ, उसके बाद आप लोग का फार्मूला लर्न करने के बाद ही हो पाएगा, है ना। यह है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, यह एक अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, I इक्वल cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपन अपन cos x माइनस cos अल्फा, cos x माइनस कास अल्फा डी एक्स। देखिए इस फार इसको कैसे बनाएंगे, ये तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देखने से पहले पता चलता है कि ऊपर नीचे हम सी डी फार्मूला लगा सकते हैं, कास सी प्लस कास डी, कास सी माइनस कास डी वाला, लेकिन उससे लेंदी होगा। उसके बजाय यदि हम ट्रिग्नोमेट्री का ये फार्मूला यूज करें, कास टू एक्स इक्वल टू होता है टू कास स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये फार्मूला यदि हम यूज कर दें तो क्या होगा, देखो न्यूमरेटर में फार्मूला यूज़ कर देते हैं, डिनोमिनेटर को वैसे रहने देते हैं, तो cos 2x को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस वन और माइनस cos 2 अल्फा को लिख सकते हैं
कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वन। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि पूरा ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। आज आदि इस क्लास के बाद आपको एक ही काम करना है, यदि आपको अच्छे से फार्मूला में कमांड नहीं है तो सबसे पहले आप फार्मूला अच्छे से तैयार कर लो। और अपन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा दैट इक्वल, ब्रैकेट ओपन करें तो माइनस प्लस वन होगा, इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और टू को मैं दोनों में से कॉमन कर लूँ तो अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा और अपन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डी एक्स, ये हो जाएगा दैट इक्वल। इसको फैक्टराइज करें, टू को मैं बाहर कर लिया तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा, क्लियर। और अपन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, अब यहाँ से आप देखो ये कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा, ये मैंने डी एक्स लिख दिया, तो नेक्स्ट बचेगा कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा डी एक्स दैट इक्वल, ये हो गया टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा डी एक्स, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं, टू को मैंने बाहर कर दिया तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस अल्फा डी एक्स, ये हो जाएगा दैट इक्वल टू टू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स, तो हो जाएगा साइन एक्स और ये क्या है कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा और डी एक्स का एक्स हो जाएगा तो एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस सी, ये इसका आंसर होगा, क्लियर। क्या आंसर दिया है टेली करें, टू साइन एक्स प्लस टू एक्स कॉस एक्स टू एक्स कॉस अल्फा प्लस सी, ओके टू को मल्टीप्लाई कर दिया है, एनसीईआरटी में जो आंसर दिया है टू को मल्टीप्लाई करके दिया है, और जब सी के साथ टू का मल्टीप्लाई होगा तो टू सी नहीं होगा, कांस्टेंट के साथ जब कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो कांस्टेंट ही रहता है तो टी सी ही रहेगा, ठीक है। दैट मीन्स इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इस आंसर को टू एक ही मतलब है प्लस टू एक्स कॉस अल्फा प्लस सी, ये आंसर है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगाना है इस स्टेप में और डिनोमिनेटर को कुछ भी नहीं करना, ऐसे ही रखना है, वह इसके फैक्टर के साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बताया, एक आध क्वेश्चन और बता दें, आज तो पहले दिन का क्लास है, आपको सबसे पहले फार्मूला ही लर्न कराना है मुझे। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री पर ही, वैसे इसमें ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ट क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है ना। आई इक्वल, देखो मेरा लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए और फार्मूला लर्न करके आइए, तो नेक्स्ट क्लास रैपिड चलेगा। फिर देखो 1 अपॉन वन प्लस साइन एक्स, नेचुरली इसको देख के ही आपको ऑब्जर्व हो गया होगा ट्रिग्नोमेट्री से कि इस क्वेश्चन को हमको क्या करना चाहिए, रेशनलाइज करना चाहिए, ठीक है। तो देयरफॉर आई इक्वल 1 अपॉन वन प्लस साइन एक्स, इसका रेशनलाइज करो मतलब इसको परमेयीकरण करो तो हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स दैट इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स और डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी दैट मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स दैट इक्वल 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ये हो जाएगा। और दोनों में क्या करते हैं 1 बाई 1 इसको अब डिवाइड कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन आप 1 के साथ कॉस स्क्वायर एक्स का डिवाइड होगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस साइन के साथ कास का होगा तो साइन अपन कास 10 होगा और सेक तो ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10 एक्स सेक एक्स इंटू 10 एक्स डी एक्स क्लियर दैट इक्वल। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10 एक्स सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10 एक्स है आपको फार्मूला के चार्ट से मिलेगा और माइनस सेक एक्स 10 एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स इसका फार्मूला होता है sec x प्लस सी दिस इज फाइनल आंसर तो 10x माइनस sec x 10x माइनस sec x प्लस सी तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। मैंने बहुत कुछ क्वेश्चन आपको करा दिया फार्मूला के एप्लीकेशन पर, ये सब क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए और फार्मूला को जरूर याद करिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा इंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया और फार्मूला लर्न करने के बाद जब आप नेक्स्ट क्लास में आप मेरे क्लास को अटेंड करेंगे
तो हम इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फार्मूला पर एंट्री करेंगे क्वेश्चन पर, और वो होगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ऐसा कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन बड़ा सिलेबस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम को ध्यान में रख के मैं रेगुलर इसके वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इसमें अब कोई गैप नहीं होगा, परेशान मत होना, इंटीग्रेशन के लिए आपको बहुत चिंता थी, बहुत जल्दी हो जाएगा। ओके, थैंक यू।